हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डिविच इज नेम डेस्टे पेन फ्री हेल्थ। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो अबाउट हार्मोन इंबैलेंस के बारे में। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं सफ़र कर रही हैं, यंग जनरेशन कहें और लेट जनरेशन कहें, ड्यू टू हार्मोन इंबैलेंस हमारे शरीर में बहुत तरीके के इशूज क्रिएट होते हैं। जस्ट लाइक पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, PCOD की समस्याएँ हो रही हैं और डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, कभी कभी निपल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये होती हैं ड्यू टू हार्मोन इंबैलेंस। कभी प्रोलैक्टिन हाई हो रहा है, PCOS कंडीशन में अलग इश्यूज हो रहे हैं, मेल हार्मोन इंक्रीज़ हो रहा है, फीमेल हार्मोन रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके से हम देखते हैं कि हार्मोन का इंबैलेंस हो रहा है। और हार्मोन्स आप सभी जानते हैं कितना ज़्यादा एक कहेंगे हमारी बॉडी को एक संचालन प्रक्रिया जो होती है वो हमारे हार्मोन्स के द्वारा ही होती है। तो हार्मोन इंबैलेंस होने के कारण हमारे शरीर में, जैसे मैंने डिस्कस करा अभी, पीरियड इरेगुलर होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, कंसीव करने में। बिकॉज अगर पीरियड रेगुलर है तो हम लोग एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि हमारा इस टाइम तक ओव्यूलेशन होगा, और फिर भी कभी अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ओव्यूलेशन अप डाउन हो जाता है, ओव्यूलेशन अप डाउन हो जाता है तो कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो बहुत सारी फीमेल्स जो पता नहीं लगा सकती हैं कि ओव्यूलेशन कब चल रहा है, किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी किसी को नहीं आते हैं। जिसको आते हैं उनको अच्छे से पता रहता है, जिनको नहीं आते हैं वो ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं। उससे आराम से पता लग जाता है कि आपका ओव्यूलेशन रनिंग है कि नहीं है, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने हार्मोन्स को किस तरीके से बैलेंस करें। 5 चीज़ें ही हैं जो अपनी डाइट में हमको शामिल करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं शामिल करनी है। तो वन बाय हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ कमेंट सेशन में लिखना किस टॉपिक वीडियो बनाना है, ताकि आप सभी के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलता रहे साथ में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोन इंबैलेंस को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। हार्मोन इंबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी डाइट में क्या शामिल करना है। सबसे पहले हमको अपनी डाइट में शामिल करना है विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी से क्या होता है, एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके शरीर की स्वेलिंग जो सूजन होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है, और आपके हार्मोन्स को भी काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखता है विटामिन डी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 12-2 की जो धूप होती है 10 मिनट ले लीजिए, आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं, फेस कवर कर सकते हैं, बस धूप आपको लेनी है। आपके इम्प्लांटेशन काफ़ी हद तक हेल्प करता है विटामिन डी, इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वर्जन बनाया है वीडियो, वो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। तो विटामिन डी आपको जो है कहेंगे आपका हार्मोन को काफ़ी हद तक बैलेंस करता है, ठीक है। विटामिन डी लेने के लिए जैसे मैंने बताया कहीं नहीं जाना है, सन लाइट से ले लीजिए, बालकनी में चले जाइए, छत पे चले जाइए, इस तरीके से आप ले सकते हैं। एल्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके विटामिन डी आपके हार्मोन को काफ़ी हद तक बैलेंस करता है, ठीक है। और विटामिन डी प्लीज़ लीजिए, बिकॉज एक तो आपकी बोन्स को भी स्ट्रेंथन बनाता है और आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी हद तक बूस्ट करता है, इम्प्लांटेशन को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई विटामिन डी की। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट आती है प्रोबायोटिक्स। आपको अपनी डाइट में जो है दही ज़रूर शामिल करना है। प्रोबायोटिक्स अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो भी आपके हार्मोन्स का काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है, ठीक है, और हार्मोन इंबैलेंस काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी डाइट में शामिल करना है प्रोबायोटिक्स। दही ले सकते हैं, दही लीजिए अपनी डाइट में, 1-2 कटोरी दही खाइए, ये आपके हार्मोन्स को भी काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकता है। आपको जो है ज़्यादा खट्टा दही नहीं खाना है, ज़्यादा खट्टा खाने से आपके बॉडी में पेन स्टार्ट हो सकता है। इट्स बेटर जो नॉर्मल होता है एज़ पर एज योर टेस्ट, फ्रेश होता है, ताज़ा दही होता है वो आप ले सकते हैं, वो आप ज़रूर खाइए 1-2 कटोरी। अब हम बात करेंगे तीसरा, विटामिन सी। विटामिन सी एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एक तो आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। खट्टे फ्रूट्स ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और खुद ही घर में जूस बनाइए, बाहर का मार्केटिंग एंड प्रिजर्वेटिव वाला इट्स बेटर टू अवॉइड। घर के जितने भी आपके फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करिए, ये आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बूस्ट करता है और भी आपके जो है हार्मोन को काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइबर्स की। क्या होता है जब आप अंडशंड चीज़ें खा लेते हैं ना, तो आपकी इंसुलिन की क्षमता होती है ना, सेंसिटिविटी होती है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी डाइट में जो है फाइबर्स रिच फूड्स खाते हैं तो आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, और आपको मोटापा काफ़ी हद तक कहेंगे जो डायबिटीज़ होता है वो काफ़ी हद तक एकदम कंट्रोल लेवल पे रह सकता है अगर आप फाइबर रिच फूड खाते हैं। बट अगर वैसे ही आप बिना फाइबर वाले फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका डायबिटीज़ भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज इंसुलिन जो है इनसेंसिटिव हो जाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमको अपनी डाइट में जो है फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए, जो हमारी डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। बिकॉज डायबिटीज़, जैसे आपने काफ़ी लोगों को सुना भी होगा, PCOD होता है तो उसके साथ डायबिटीज़ की भी संभावना रहती है, तो ओबेसिटी की भी संभावना रहती है। तो इनको काफ़ी हद तक बैलेंस करने के लिए हमको अपनी डाइट में जो है फाइबर रिच फूड्स लाने और खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
अब जो है अपने आपको अपनी डाइट में शामिल करना है अश्वगंधा। जो अश्वगंधा होता है वो भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। अश्वगंधा एक तो कहेंगे कि आपके मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, बिकॉज आप स्ट्रेस जब लेते हैं तो आपके हार्मोन का बैलेंस होता है। इसलिए स्ट्रेस को हमको कंट्रोल करने के लिए क्या अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं हम लोग? अश्वगंधा। और अश्वगंधा भी आपके हार्मोन्स को काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो अश्वगंधा भी अपनी डाइट में एक तरीके से पानी के साथ हल्का सा लेंगे, आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात होती है आपके जो है अलसी के बीज। जो अलसी के बीज होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल्स के लिए, कहीं एक तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मददगार होते हैं, प्लस आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए होते हैं। तो अलसी को भी आप अपने सलाद में स्प्रिंकल कर सकते हैं, दही में स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऐसे ही खा लीजिए। बहुत रोस्टेड जो अलसी आती है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, उस तरीके से भी आप कंसीव के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो कुछ हमने 5-6 प्रोडक्ट्स और कहेंगे चीज़ें हम डिस्कस करी, ये आपके हार्मोन को जो है काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखता है। सारी समस्या कहाँ आती है? हार्मोन इंबैलेंस से आती है। हार्मोन इंबैलेंस तो पीरियड इरेगुलर तो ओवुलेशन में इशू, ठीक है। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लेना है? विटामिन डी लेना है, विटामिन सी लेना है, दही खाना है, अश्वगंधा लेना है और अलसी लेना है, ठीक है। ये जो 5-6 चीज़ें हैं इनको अपनी डाइट में जरूर से ज़रूर शामिल करना है। अब हम बात करेंगे हमको क्या नहीं खाना है। देखो क्या नहीं खाना है से मतलब है आपको क्या क्या अपनी डाइट में एक्सेसिव मात्रा में नहीं खाना है। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज़ रियली वेरी कहेंगे टॉक्सिक, यू कैन से, ठीक है। तो आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनीथिंग आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल नहीं करना है। कैसे? फर्स्ट, चीनी, शुगर आपको एक्सेसिव मात्रा में नहीं लेना है। आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज हो सकता है, ओबीस हो सकते हैं आप, साथ ही साथ डायबिटीज़ जल्दी से जल्दी आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो और बाहर का आपको बिल्कुल भी जो फूड होता है चटर बाहर का चटपट करने से भी आपके जो है हार्मोन का इंबैलेंस काफ़ी हद तक हो सकता है। कभी कभार चलता है बट डेली बेसिस पे आपको बाहर का चटर और ये पैकेट प्रोसेसिंग फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये आपके हार्मोन्स को काफ़ी हद तक इंबैलेंस करता है, ठीक है। बाहर का पास्ता एंड जो भी चीज़ आपको पसंद आती हैं, ठीक है, जैसे कि पास्ता हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मैदे से बनी चीज़ें हो गई, इनको अवॉइड करिए थोड़ा। ये आपके हार्मोन्स को काफ़ी हद तक इंबैलेंस करते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला होता है वो भी आपको अपनी डाइट से कहीं निकाल ही दीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें होती हैं ना पैकेट फूड्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स को काफ़ी हद तक इंबैलेंस करते हैं। और जहाँ भी हमारे हार्मोन का इंबैलेंस हुआ, सोचिए कि फीमेल्स की जो पीरियड साइकिल है बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। गड़बड़ाने के कारण हमारे शरीर में वेरियस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। कभी ओव्यूलेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, कभी प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा कहेंगे पेनफुल रहते हैं, और कभी पीरियड्स के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। वैट इज, इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दीज स्टफ्स तो इट्स बेटर टू अवॉइड ये भी हमारे जो चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो इन पे भी हमें खास तरीके से ध्यान देना है कि हमको क्या क्या नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें थोड़ा कम और घर की बनी हुई चीज़ें थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो ये था वीडियो अबाउट कि हमको अपने हार्मोन बैलेंस किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ नींद प्रॉपर मात्रा में लीजिए, नींद 7-8 घंटे की नींद लीजिए। ऐसा भी नहीं कि रात में लेट सो रहे हैं सुबह लेट उठ रहे हैं कि नींद तो हो गई 7-8 घंटे की। वो एक पोएम होती है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी बेड, इट्स बेटर टू गो जल्दी से जल्दी एंड अर्ली मॉर्निंग में उठिए, ताकि आपका जो एक नॉर्मल हार्मोन का इंबैलेंस है वो इंबैलेंस ना हो, बैलेंस रहे, ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल कम से कम लीजिए। स्ट्रेस लेंगे एक तो आपको और अदर इशूज़ हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर फिज़िकल योर साइकोलॉजिकल अदर इशूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। तो स्ट्रेस को भी काफ़ी तक रिड्यूस करना है। अगर आप स्ट्रेस रखेंगे तो आपके हार्मोन का इंबैलेंस मोर प्रोन टू गेट आपको फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग कंडीशन जब तक रहती है तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है। किसी से शेयर करिए कोई भी हो अपने आसपास, और स्ट्रेस को थोड़ा सा रिड्यूस करिए। स्ट्रेस लेंगे तो आपके हार्मोन का इंबैलेंस काफ़ी हद तक होता है, ठीक है। बस ये था। और एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करेंगे तो एक बॉडी सुचारू रूप से चलती रहती है। खाने पीने पर थोड़ा फोकस करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि आपके शरीर से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर अंदर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लाने के लिए। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।